के नालो चीला दे डालो पाड़ा ते बग दे चरने हो उच्चे उच्चे पाड़े ठंडा ठंडा मौसम ए तक तरत करीने हो घूमी आए असां ता देश विदेश घूमी आए असां ता देश विदेश कुत्ती मणि मिले आया अंचल हो कुत्ती मणि मिले आया अंचल हो जिथु जाना जाओ खूब कमाओ भुलना नी अपना हिमाचल जिथु जाना जाओ खूब कमाओ भुलना नी अपना हिमाचल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मीना कवर हिमाचली स्पेशल पे। तो गाइज अपने हाल चाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी देखिए मैं आपके साथ आज संडे मॉर्निंग की ये क्लिप है शेयर कर रही हूँ। तो हम सुबह से घास को गए हुए थे तो वहाँ से मैंने ये थोड़ी सी पहाड़ियों की और वहाँ के आसपास की ली हुई थी क्लिप। और ये देखिए मैं आपको चील का जो होता है ना चिलगोजे वो दिखा रही हूँ आपको। तो इसमें ना बीज भी होते हैं अंदर, उसको खाते हैं। तो ऐसे तो इसको खा जाते हैं जंगली जानवर होते हैं ना, जैसे बंदर वगैरह होते हैं या शायद पंछी भी खा जाते होंगे। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और जो बाकी का मेरा व्लॉग है वो कल का ही है, कल का आधा व्लॉग है। तो चलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और देखिए शाम के टाइम का व्लॉग है ये। तो ये देखिए दराटी ले ली हमने और मैं और नैना चल पड़े हैं हम। हेलो हेलो, बढ़िया घास काटेंगे। हाँ, काटन दूंगा ही। अच्छा ठीक है, तो चलिए चलते हैं खेत में, लेके चलते हैं आपको। तो खेत को जा रहे थे ना हम जोई काटने के लिए। तो उसमें ना मतलब दाने दूने तो ऐसे ही थोड़े खिलाने के लिए लाना है उसको। और साथ में धैर्य ने बोला ना कि मम्मा आज खेत में ना पापा स्प्रे वगैरह करा रहे हैं तो उसका व्लॉग बना के लेके आता हूँ वहाँ से। तो मैंने इसको दे दिया था यहाँ पे देखिए फ़ोन और ये आपको दिखा रहा है। तो इसने बनाया है ये व्लॉग छोटा मोटा जैसे भी बनाया है। तो ये देखिए शिमला मिर्च की सिंचाई हुई हुई है यहाँ पर। और उससे पहले आपको बीन्स दिखाई हुई थी, वो जो बीन होती है ना फ्रांस बीन वो दिखाई हुई है। ये प्लम है अभी कच्चा है ये, तो ये देख सकते हैं आप मेरी पोजा है ये अभी कच्चा है। साथ में ये देखिए ये टमाटर का पौधा है, देखिए इतने छोटे छोटे हैं अभी। लेकिन इसमें ना पोल लगाने के लिए देखिए गड्ढे किए हुए हैं और इसमें अब डोरियां बंधेंगी ताकि जो टमाटर है वो ऊपर को चढ़ जाए। और यहाँ पे हस्बैंड कर रहे थे सिंचाई, वैसे तो ये वीडियो में आना नहीं चाहते, मना करते हैं वीडियो में लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर धैर्य ने चुपके से इनको कैप्चर कर लिया। और साथ में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रही है स्प्रे की तैयारी। तो जो कीटनाशक होते हैं ना खेतों में डाले जाते हैं तो ये उसकी तैयारी हो रही है। तो देखिए इस तरह से होता है। और शाम के टाइम की है ये क्लिप, 4:30 हो गए थे शायद उस टाइम। तो शाम को ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं होती है और फिर अच्छे से असर करती है दवाई। वैसे तो जो ये दवाइयाँ है ना इनका कम से कम उपयोग करना चाहिए, लेकिन क्या करें किसान जो है ना अब जो ये फसलें हैं ना इनको आदत हो चुकी है इन कीटनाशकों की। और वैसे तो हम इतनी ज़्यादा तो नहीं करते, बहुत ही ज़्यादा थोड़ी बहुत तो करनी ही पड़ती है। और आपको मैं बताती हूँ सबसे ज़्यादा कीटनाशक का उपयोग सेब और टमाटर में ही किया जाता है। तो सेब में सबसे ज़्यादा स्प्रे की जाती है, हर चीज़ के लिए स्प्रे होती है सेब में। जो हम सेब खाते हैं ना वो नेचुरल नहीं होता है पका हुआ बिल्कुल भी, रेड कलर उसमें कलर के लिए भी स्प्रे होती है उसमें। तो आप यहाँ पंप में डाल रहे हैं, तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा अभी, नहीं तो आप बाद में भूल जाओगे। और जो कोई भी चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो अब इधर फूल हो जो है तो अब इधर पानी यूज़ कर रहे हैं। और नीचे सड़क बन रही है, यहाँ पक्की करने का काम चल रहा है। एक साइड बहुत सारे लोग आए हुए हैं। अरे ये तो कीड़े निकल गए इसमें। तो अब ये स्प्रे करने का काम करेंगे।
तो वैसे तो गाइस जो फसलें होती हैं ना उनमें कम से कम करना चाहिए रसायनों का उपयोग, लेकिन क्या करें हमें करना पड़ता है क्योंकि सभी करते हैं, और अगर हम छोड़ देंगे ना तो बाकी सब अपने खेतों में करेंगे स्प्रे वगैरह, और उनके सारे कीड़े जो हैं वो हमारे खेत में आ जाएंगे अगर हम करना छोड़ देंगे तो। वैसे हानिकारक है ये, और ये बंद हो जानी चाहिए चीज़ें, क्योंकि इससे ना फिर जो वो रियल टेस्ट होता है ना सब्जी का हो चाहे अनाज का हो वो नहीं रहता, और ना ही वैसी ताकत रहती है उसमें। तो ज़्यादातर इसमें यही चला जाता है जो ये जहर वगैरह का यूज़ होता है ना इसमें स्प्रे वगैरह करने के लिए कीटनाशक का। तो यहाँ पे देखिए मजबूरी ये करना पड़ता है हमें, और अगर नहीं करेंगे तो फिर किसान को बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हो जाता है। तो धीरे धीरे करके इसको छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम भी, थोड़ा थोड़ा मतलब कम कर रहे हैं, तो देखते हैं फ्यूचर में कैसा होता है। तो अभी मैंने आपको ना यहाँ पे टमाटर में स्प्रे की ये छोटी सी क्लिप आपके साथ शेयर की, और धैर्य लेके आया था ये तो इतने अच्छे से नहीं बना सका वो, लेकिन जैसी भी है आपके साथ शेयर की। तो चलिए चलती हूँ, लेके चलती हूँ आपको दूसरे खेत में। सिंचाई कर रहा है वो, देख अलग डब्बू कर रहा है सिंचाई। हाँ आ रही हूँ। हाँ सबकी कट गई गेहूँ, देख चलो हीरे खाने आ रही है, उसका घर है परे वहां पे। और क्या ये है? चुई का पेड़, चुई की शीर्ष, चुई या शीर्ष, चुई याद नहीं रह रहा, चुई में लगते थे ऐसे फूल। हाँ इसमें फूल लगे हुए ना, चुई में लगते थे ऐसे फूल। रास्ता यहाँ पे भी खराब सा हो गया ना। चलो जी, वाह यहाँ पे है बहुत सुंदर फूल, देख ये देख सुंदर फूल, तोड़ते नहीं नो। चलो वो भी लग रहे खीरे के गो लगे हुए, कितना सुंदर जाल बांधा देख। चलो यहाँ पे है खजूर का पेड़, ये खजूर है देखिए, ये झाड़ू बनते इसके। हाँ झाड़ू, हाँ जी। चलो नीचे खेत में सिंचाई हो रही है, लोग सिंचाई कर रहे हैं, सिंचाई हो रही है। हाँ नहीं हो। हाँ तो ये देखिए गाइस पहुँच चुके हैं हम, ये खेत हमारा नहीं है जो बाया हुआ है, ये गांव वालों का है, और का ये हमारा। इसमें जो गेहूँ था वो काट दिया गया है सारा, और वहाँ की भी बच गए। हाँ और इसमें भी घास था तो ये तो इसमें ही रह गया। ओहो ये तो इकट्ठा कर ही नहीं गया। तो ये देखिए गाइस ये है हमारी जोई का खेत, ये है जोई। ओह माय गॉड, इधर तक के परे तक हरी है देख। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे अपने खेत में, बस यही खेत बची हुई है अब एक जोई वाली, और बाकी गेहूं भी ख़त्म हो गया, जौ भी ख़त्म हो गए हैं, अब ये थोड़ी सी जोई बची है यहाँ पे, बस अभी इनको ख़त्म करेंगे और फिर हमारा जो अनाज है सारा का सारा वो इकट्ठा हो जाएगा। तो मैं सोचती हूँ ना पहले के टाइम में लोग इतना अनाज होता था कैसे करते होंगे इकट्ठा, और अब तो मशीनों का ज़माना है फिर भी हमारे इतना टाइम लग जाता है, और पहले लोग धूप पे काटते थे, अब तो धूप पे बाहर निकलना ही मुश्किल है, धूप पे तो हम जा ही नहीं सकते। तो चलिए करते हैं शुरू, और नैना ने देखिए नैना को शौक चढ़ा हुआ है, हाथ नहीं काट दियो बेटा नैना, हाथ काट दोगे आप। तो चलिए करते हैं शुरू, काट लेते हैं इसको। तो ये देखिए गाइस ये कुछ हमने यहाँ पे ये शट्टे काटे हैं, ये गाय को खिलाने के लिए, हरे होते हैं ना थोड़े शट्टे होते हैं। हाँ जी हाँ, और ये देखिए नैना ये भी कर रही है मदद, और ये जोई जो है वो इधर को रखी हुई है। हाँ ठीक है, और अभी अंधेरा होने वाला है, अब थोड़ी सी देर काटेंगे बस, हम अभी आए थे ना तो थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं निकला है। तो चलिए जब घर जाएंगे तो हो सकता है उस टाइम अंधेरा हो गाइस, आपको नहीं दिखा सक तो बस गाइज आज के व्लॉग का एंड यहीं पर कर रही हूँ, और मिलूंगी आपसे एक और नए व्लॉग के साथ। बाय।